अभी देश के करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे, हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम शिमला में है लेकिन एक प्रकार से ये कार्यक्रम आज पूरे हिंदुस्तान का है। हमारे यहां चर्चा चल रही थी कि सरकार के 8 साल होने पर कैसा कार्यक्रम किया जाए, कौन सा कार्यक्रम किया जाए। तो हमारे नड्डा जी जो हिमाचल के ही हैं, हमारे जयराम जी, उनकी तरफ से एक सुझाव आया और दोनों सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे। ये 8 वर्ष के निमित्त कल मुझे कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों खो दिए, ऐसे बच्चों का जिम्मा संभालने का अवसर कल मुझे मिला। देश के उन हजारों बच्चों का देखभाल का निर्णय सरकार ने किया और कल उनको मैंने कुछ पैसे भी भेज दिए चेक डिजिटली। 8 साल की पूर्ति में ऐसा कार्यक्रम होना मन को बहुत सुकून देता है, आनंद देता है। और फिर मेरे सामने सुझाव आया कि हम एक कार्यक्रम हिमाचल में करें, तो मैंने आंख बंद करके हां कह दिया, क्योंकि मेरे जीवन में हिमाचल का स्थान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। और खुशी के पल अगर हिमाचल में आकर के बिताने का मौका मिले तो फिर तो बात ही क्या बनती है जी। आज इसलिए मैंने कहा कि 8 साल के निमित्त देश का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज शिमला की धरती पे हो रहा है, जो कभी मेरी कर्म भूमि रही, मेरे लिए जो देव भूमि है, मेरे लिए जो पुण्य भूमि है, वहां पर मुझे आज देशवासियों को इस देव भूमि से बात करने का मौका मिले, ये अपने आप में मेरे लिए खुशी अनेक गुना बढ़ा देने वाला काम है। साथियों, 130 करोड़ भारतीयों के सेवक के तौर पर काम करने का मुझे आप सबने जो अवसर दिया, मुझे जो सौभाग्य मिला, सभी भारतीयों का जो विश्वास मुझे मिला है, अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि मोदी करता है, ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है, ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है, उनकी बदौलत हो रहा है, उनकी ताकत से हो रहा है। परिवार के एक सदस्य के तौर पर मैंने कभी भी अपने आप को उस पद पर देखा नहीं, कल्पना भी नहीं की है और आज भी नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूं। जब फाइल पर साइन करता हूं, एक जिम्मेवारी होती है, तब तो प्रधानमंत्री की दायित्व के रूप में मुझे काम करना होता है, लेकिन उसके बाद
फाइल जैसी चली जाती है, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य बन जाता हूं, आप ही के परिवार के सदस्य के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में, जहां भी रहता हूं काम करता रहता हूं और आगे भी एक परिवार के सदस्य के नाते परिवार की आशा आकांक्षाओं से जुड़ना, 130 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही सब कुछ है मेरी जिंदगी में। आप ही हैं सब कुछ मेरी जिंदगी में और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है।